अल नज्जार ने 1 जून 2018 को अपनी शहादत से चंद घंटे पहले एक इंटरव्यू के दौरान में कहा कि मेरा नाम रज़ान अल नज्जार है और मैं 21 साल की हूँ। मैं यहाँ बतौर नर्स काम कर रही हूँ। यहाँ मेरे लिए पहला दिन बहुत ही ज़्यादा घुटन था क्योंकि आंसू गैस से मैं 3 बार अपनी सांसें खो बैठी थी, जिसे पूरी इमदादी टीम को निशाना बनाया गया था। एक साथी को कमर पर गोली मार दी गई जबकि एक मेरे दोस्त नर्स का हाथ गोली का निशाना बना और एक दूसरे साथी के कान के करीब गोली लगी। हमने इन्हें मैदान जंग में ही इब्तदाई तिबी इमदाद दी, फिर इन्हें अस्पताल में मुंतकिल कर दिया और हमने अपना काम जारी रखा। आज मैं करीब करीब गोली लगने से बची, जिसके लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और कल मैं आंसू गैस का निशाना बनी, जिसके करीबन 1 घंटे बाद जब मुझे होश आया तो मैं पागल सी हो गई क्योंकि मैं अपना काम और सफर जारी रखना चाहती थी। इसलिए मैं एम्बुलेंस से फौरन उतर गई। मैंने कहा कि मैं यहाँ लोगों की मदद करने आई हूँ, ना कि खुद इलाज करवाने। मैं पूरे फख्र के साथ कहती हूँ कि मैं अपने आखिरी दिन तक अपना काम जारी रखूंगी। दुआ है कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों को इसराइली ज़ालिम अफवाह से निजात अता फरमाए।